अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। साढ़े चार बजे एक ई रिक्शा चालक को आए दिन ई रिक्शा चालकों को मैजिक वाले के द्वारा मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें रिक्शा चलाने से मना करा जा रहा है। ये जैसा बार बार करने के बाद प्रशासन को अवगत हमेशा आकर रिक्शा चालक हमेशा अवगत कराते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। करे कि रिक्शा चालक को शाम को 4 बजे भी मारा गया, मारने के बाद में ई रिक्शा चालक यहाँ पर आया, पहले तो उसका आवेदन ले लिया। आवेदन क्यों, जब मारा है तो रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? रिपोर्ट हुई तो हरिजन एक्ट नहीं लगाना। ये क्या है ना, प्रशासन क्या चाहता है? प्रशासन क्या सुनवाई नहीं करना चाहता है, कुछ धमक में है या क्या चाहता है प्रशासन? इसीलिए आज विश्व हिंदू बजरंग दल के कन सारे कार्यकर्ता और बजरंग दल आज यहाँ पर थाने पर आए और आपसे बात हुई है और हरिजन एक्ट लगा रहे हैं वो। अगर अभी भी सुनवाई नहीं हो तो क्या कदम रहेगा? अगर अभी भी सुनवाई नहीं हो तो पूरा ई रिक्शा चालक और बजरंग दल हिंदू समाज को लेकर तो आगे जाकर धरना दे देगा थाने पर, और उसका जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। क्या लगता है आपको, बार बार थाने पर आना पड़ता है? बार बार थाने पर आने का मतलब वही कि प्रशासन अगर वो दबाव में है क्या? दबाव में हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन दबाव में उन लोगों के। ठीक, क्या नाम है आपका? अभिषेक माली, बजरंग दल जिला सह संयोजक देवास। क्या पूरा मामला था? कल शाम को एक ई रिक्शा वाला और एक मैजिक वाला के आपस में किसी गाड़ी को टक्कर लगने के वजह से विवाद हुआ था, जिसमें थाना कोतवाली में अपराध पंजीकृत किया गया था। आज कुछ कार्यकर्ता बजरंग दल के आए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि प्रकरण में एसटीएससी की धारा का इजाफा नहीं किया गया है, क्योंकि जाति के प्रार्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया था और जाति सूचक कोई वर्ड नहीं बोले थे। इस संबंध में उसका जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करके धाराएँ बढ़ा दी जाएगी।